नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। फिरोजाबाद से बसपा में बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर जिले की 8 निकायों में से 7 पर शुक्रवार की शाम को प्रत्याशी घोषित कर दिए। फिरोजाबाद नगर निगम के पूर्व में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष और सपा से 2 बार सभासद रह चुके महबूब अजीज की पत्नी रुखसाना बेगम अब्बासी को महापौर का प्रत्याशी बनाया गया। महबूब अजीज सपा नेता आजम खान के करीबी हैं। इसके साथ ही एक नगर पंचायत को छोड़कर 3 नगर पालिका और पंचायतों के भी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर हेमंत प्रताप सिंह, डॉक्टर ज्ञान सिंह, पूर्व विधायक अजीम भाई और जिलाध्यक्ष सुशील कुमार उर्फ सोनू ने सीबी गेस्ट हाउस में वार्ता करते हुए बसपा के महापौर और चेयरमैन पद के प्रत्याशियों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सभी वर्गों को सम्मिलित करते हुए बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश पर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी तय किए हैं। उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद नगर निगम की मेयर पद के लिए रुखसाना बेगम पत्नी महबूबा अजीज अब्बासी को प्रत्याशी बनाया गया है। महबूब अजीज टिकट मिलने से पूर्व तक समाजवादी पार्टी में सक्रिय थे। बसपा नेताओं ने कहा कि पूर्व विधायक अजीम भाई के साथ ही वो बसपा में शामिल हो गए थे। शिकोहाबाद नगर पालिका से चेयरमैन पद के लिए अनीता यादव, इंद्रजीत यादव की पत्नी सिरसागंज नगर पालिका से चेयरमैन पद के प्रत्याशी नकीर अहमद को बनाया गया। वहीं टुंडला नगर पालिका से चेयरमैन पद का प्रत्याशी वर्तमान में बीजेपी से चेयरमैन राम बहादुर तक के बेटे रोहित चक को उम्मीदवार बनाया है। नगर पंचायत परिया में समाजवादी पार्टी से चेयरमैन बने अब्दुल हई की पत्नी मोमिना यास्मीन को प्रत्याशी बनाया है। नगर पंचायत मखनपुर से प्रधान रहे स्वर्गीय महेश चंद्र जाटव की पत्नी मुन्नी देवी चेयरमैन पद की उम्मीदवार घोषित की गई है, जबकि जसराना नगर पंचायत से वारिस अहमद को चेयरमैन पद का प्रत्याशी घोषित किया है। समाजवादी पार्टी से नगर पंचायत अध्यक्ष की टिकट नहीं मिलने पर वारिस सिद्दीकी की ने साइकिल छोड़ हाथी की सवारी कर ली। इस दौरान उन्होंने कहा वो बसपा नेतृत्व का फैसला था, ये उनका फैसला है। कहा कि उनका प्रमुख उद्देश्य जनता की सेवा करना है। पहले भी वो सपा से बगावत कर चुनाव लड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष रहे वारिस सिद्दीकी समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी कर रहे थे। राजनीतिक गलियारों में उन्होंने मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन सपा ने केपी सिंह यादव पर भरोसा जताया तो वारिस सिद्दीकी ने बगावत कर ली। 2017 में हुए नगर निकाय चुनाव में उन्होंने सपा से टिकट मांगी। टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय मैदान में उतरे और दूसरे स्थान पर रहे, जबकि सपा तीसरे स्थान पर ही थी। परिया चेयरमैन अब्दुल हई ने 30 साल बाद आखिरकार साइकिल की सवारी को छोड़कर हाथी पर सवार हो गए। साल 2017 में सपा के टिकट पर सपा की चेयरमैन बने अब्दुल हई ने कहा कि सपा छोड़ने पर अफसोस है, लेकिन लगातार काम करने के बाद टिकट ना मिलना गलत था। इसके कारण सपा छोड़कर बसपा में वो शामिल हुए हैं। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।